अस्सलाम वालेकुम। गेट वरियन कंट्रोल सिस्टम के साथ मैं हूं शुएब, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, यूआईटी लाहौर। गिटहब से तो तकरीबन सब वाकिफ हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन। ऐसा प्लेटफॉर्म है गिटहब जहां हम अपना सोर्स कोड रखते हैं, एक सेंट्रल प्लेस है, और उस सेंट्रल प्लेस पर मुख्तलिफ फ्लोर उस सोर्स कोड के रिलेटेड जो डेवलपर हैं, जो उसको डेवलप कर रहे हैं, वो अपना कोड रखते वगैरह। सबसे पहले गिट वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। गिट वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम एक डेटाबेस की तरह है। जिस तरह डेटाबेस सिस्टम हमारे डाटा को स्टोर करता है और उसको मैनिपुलेट करता है, इसी तरह गिट वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम भी हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दरमियान जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को ट्रैक करेगा। मीन के उस सोर्स कोड में जो चेंजिंग आ रही है, जो फाइल्स ऐड हो रही हैं और जो डिलीट हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड, उन सब की हिस्ट्री को बताएगा। दो टाइप के इसके इंटरफेस होते हैं, पहला कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा GUI इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में हम मुख्तलिफ डिफरेंट कमांड के जरिए अपने कोड को पुश पुल कमिट वगैरह करते हैं। GUI में हमारे पास एप्लीकेशन है GitHub डेस्कटॉप के नेम से, उसको यूज करके हम अपने कोड को पुश पुल कमिट वगैरह। गिट डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन है वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम की, उसको यूज करके गिटहब पर कोड को पुश और पुल करते हैं। गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सब में अवेलेबल है। चले स्टार्ट करते हैं। आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें। इंस्टॉल के बाद ये आपसे आपका गिटहब अकाउंट पूछेगा। गिटहब अकाउंट लॉगिन करने के बाद स्क्रीन आएगी, जिसमें एक ऑप्शन क्रिएट रिपोजिटरी, दूसरा क्लोन का, इस तरह ऑप्शन आएंगे। अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको किस तरह गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करेंगे। ऊपर आपके पास मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन होगा। फाइल ऑप्शन में ऐड लोकल रिपोजिटरी में जाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ भी कर सकते। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट का पाथ देंगे। ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, ये उसका पाथ कॉपी कर लिया और इसको इधर पेस्ट कर दिया। समटाइम अगर ऐसे नहीं होता तो चूज ऑप्शन को चूज करें, उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है आपका उसको सिलेक्ट करें। अपने प्रोजेक्ट का पाथ ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने प्रोजेक्ट का पाथ जैसे प्रोजेक्ट को फोल्डर को सिलेक्ट किया। आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, आपके रिपोजिटरी का नाम पूछेगा जो आपने रखना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या है।
उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करें। यह आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है। के बाद पब्लिश और ये आपकी रिपोजिटरी, इसको आप क्रिएट कर रहे हैं गिटहब पे। रिक्वेस्ट पुल क्या करती है, जो आपका कोड है उसको गिटहब पे अपलोड कर देगी। अगर कमांड लाइन यूज करते हैं जीआईटी पुल की कमांड से कोड को अपलोड करते हैं। आप देखते हैं अपनी गिटहब वेबसाइट पे के कोड अपलोड हुआ है या नहीं।
अच्छा।